वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे श्रोतियों नूं मेरे सतंत्र कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी गदरी बाबे कौन सन किताब का अगला भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 162। प्रश्न, पर खब्बे पक्षी तो दावा करते हैं कि गदरी बाबे एक अद्धे नूं छड्ड के सारे बाद विच कम्यूनिस्ट पार्टी विच शामिल हो गए सन। उत्तर, यह झूठ है, निरा झूठ, गल एदू उल्ट है। एक अद्धे नूं छड्ड के 1914-15 दे पूर वाला कोई भी गदरी बाबा कम्यूनिस्ट पार्टी विच शामिल नहीं होया सी। जेड़े एक दो भुल भुलेखे हो बैठे उन्होंने सारी जिंदगी कम्यूनिस्ट आगुआ नाल आडा लाई रखिया सी। ओह कदे भी कम्यूनिस्ट मुखधारा का अंग नहीं बन सके सन। गदरी बाबिया ने कम्यूनिस्ट लहर के राजसी प्रोग्राम के आधार पर इस तों बाहरों हमायत जरूर की, पर इस नालों भी वध गै गडवी हमायत उन्हां अकाली लहर की कीती सी। इह बाबिया की दरिया दिली सी, उन्हां दा इखलाकी गुण सी जेड़ा उन्हां सिख फलसफे ते सिख धर्म दियां कदरां कीमतां तों ग्रहण कीता सी कि हर सच्चे काज दी बिना किसे भेदभाव अते रख रखा तों हिमायत कीती जावे। ओह कम्यूनिस्ट वांगू तंग नज़र अते दिल सड़े नहीं सन। बाबा भकना जी ने प्रिंसीपल बजाज नाल गलबात दौरान कम्यूनिज़म अते कम्यूनिस्टां बारे अपना नज़रिया पूरा स्पष्ट कर दिता सी। उन्हां कहा सी कि मैं समाजवाद की कदर करदा हाँ, पर मैं कोई कम्यूनिज़म दा अन्ना उपासक नहीं। जदों प्रिंसीपल बजाज ने बाबा जी नूं कम्यूनिज़म दे अन्ने उपासकां भाव रूस अते चीन नूं अपना इष्ट मनण वाले कम्यूनिस्टां बारे अपना नज़रिया होर वध स्पष्ट करन लई जोर पाया ता बाबा जी ने पता है की उत्तर दिता सी। उन्हां हिकारत नाल कहा सी, पैन टठे खूह विच। सानू तां अपनियां लोड़ां अते हालतां दे मुताबक कौमी उठान दी लोड़ है। इत्थे खास ध्यान देण वाली गल इह है कि 1914-15 वाले किसी भी गदरी बाबे ने जीवन विच कदे भी अकालियां नूं इन्नी करारी फिटकार नहीं पाई सी। इसका मतलब तुसी आपे कढ लवो। सचिंदर नाथ सन्याल ने यह गल भली भांत स्पष्ट कर दिती है कि गदरी बाबे किहो जिहे अते किहड़े अर्थां विच कम्यूनिस्ट सन। जेकर सन्याल दे विचारां नूं डूंघे ध्यान नाल पढ़िया जावे तां सारा मसला साफ हो जांदा है। बाबा सोहण सिंह भकणा ने अपने जीवन की आखिरी लिखत जीवन संग्राम विच इह गल पूरी तरह स्पष्ट कर दिती सी कि गदरी बाबे कम्यूनिस्ट पार्टी विच शामिल नहीं होए सन। उस वेले पंजाब अंदर कम्यूनिस्टां दे दो धड़े सरगर्म सन, एक किरती ग्रुप दे नां हेठां अते दूजा कम्यूनिस्ट पार्टी दे नां हेठ। बाबा जी ने साफ लिखा है कि इस विच शक नहीं कि पंजाब विच कम्यूनिस्ट पार्टी नालों किरती ग्रुप दा काम ज़्यादा सी, क्योंकि बाबे इन्हां दी पिठ उत्ते सन। जिन्हें किसान मोर्चे लड़े सन वह सारे किरती ग्रुप अते बाबियां दे आसरे लड़े गए सन। बाबा जी दसदे हन कि उन्होंने किरती ग्रुप अते कम्यूनिस्ट पार्टी वालियां विचकार एकता कराउण दे बड़े सुहिरद यतन कीते, जिहड़े कम्यूनिस्टां दे तंग नज़र रवैये करके सिरे ना चढ़ सके। बाद विच किरती ग्रुप वालियां ने तंग आके अपनी वक्री पार्टी बना ली जिस नूं लाल पार्टी कहा जाण लगा। बाबा जी ने लिखा है कि लाल पार्टी विच मैं शामिल नहीं होया ते ना ही कम्यूनिस्ट पार्टी विच मेरी दिलचस्पी रही। बाबा जी दी इन्नी स्पष्ट बयानी दे बावजूद जेकर फिर भी कोई कहिंदा है कि गदरी बाबे कम्यूनिस्ट पार्टी विच शामिल हो गए सन तां इस नूं कोरा झूठा ना कहा जावे तां होर की कहा जावे। बाबा भकणा ने तां साफ साफ शब्दां विच लिखा है कि असी इह गल साफ कर ली सी कि देश भगत परिवार सहायक कमेटी खुली रहेगी, पार्टी का इस विच कोई हथ नहीं होगा क्योंकि यह कमेटी बाबे ही चला सकते हैं, कम्यूनिस्ट पार्टी नहीं। बाबा जी की उक्त लिखत विचों पता लगता है कि 13 सितंबर 1967 देश भगत यादगार हाल जलंधर विखे
ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਭਗਣਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਿਆਲ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਭਗਣਾ ਦੇ ਉਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ, ਜੁਰਮ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਫੈਲੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ, ਖੋਹਾ ਖੋਹੀ, ਜੁਰਮ, ਜਬਰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਕਾਚੁੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧੇ ਹਨ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਰਾਜਸੀ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਜਬਰ, ਅਨਿਆਂ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੁਰਮ, ਹਿੰਸਾ, ਝਗੜੇ, ਵਿਖਾਦ, ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਰਮ, ਜਬਰ, ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਫਲਸਫੇ ਜਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਹੈ। ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭੁੱਖ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮ, ਵਣਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੀਬਰ ਊਰਜਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉੱਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰੇ ਅਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਫਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਚੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਵੇਕਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁ ਪਸਾਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪਸਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇਵਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ
संविधान नूं इस तरह लिखिया जा सकता है, वह अल्प सभ्याचारा नूं हजम करके एक परम सभ्याचार की उसारी ही करे। छोटियां पर विलक्षण कौमां नूं ना मन के एक वड्डी कौम विच तब्दील करना, एक कौमवादी राज दा संगठन करना भी इउं लुट खसुट दा एक साधन ही बनाया जा सकता है। उन्हां मुताबिक इस रोशनी विच देखिया इस समय दा सब तो वड्डा सवाल ते समस्या ये है कि जीवन की विलखणता जां विचित्रता नूं किवें कायम रख्या जावे। यह गल समझनी रत्ती भर भी औखी नहीं कि आधुनिक फलसफा जीवन की विलखणता जां विचित्रता नूं कायम रखण दा ना सिर्फ जामण नहीं बन सकता, सगों यह अपने मूल खासे पक्षों भी विलखणता अते अनेकता दा दुश्मन है। तीन सदियां दा समुचा अभ्यास इस तथ्य की गवाही भरता है। उदारवादी फलसफा व्यक्तिगत आजादी की जयकार करता है, पर भाईचारियां दीयां पछाणां नूं खत्म करन दा राजसी टीचा मिथ के चलता है। इस अंदर दूसरे दे दूसरेपन नूं खत्म करन जां इस नूं ढा भन्न के अपने अनुकूल बनाउण दी प्रबल रुचि है। भाईचारियां दी होंद कुछ सांझियां नैतिक अते धार्मिक सभ्याचारक कदरां कीमतां नाल मजबूत प्रतिबद्धता दे आसरे हुंदी है। लिबरल विचार चौकटा इन्हां कदरां कीमतां नूं अंध पक्षी अते पिछाखड़ी कह के खत्म करन दी अटल अते अमोड़ रुचि रखदा है। दूजियां दी हस्ती नूं प्रवान करना ही आपसी प्रेम अते भाईचारे वल पहला कदम है। उदारवादी फलसफा, कम्यूनिस्ट फलसफा, नाजीवाद, फांसीवाद, ईसाइयत, इस्लाम, ब्राह्मणवाद, इन्हां सारयां दी इक गल सांझी है। यह सारे ही मूल खासे पक्षों एकतावादी हैं, सृष्टि के नियमों के विरोधी हैं। इन्हां दे पैरोकारां दे मना अंदर वन सवन्नता की कदर पैदा नहीं हो सकती, इस करके ओह इस मसले प्रति खरे रूप विच संवेदनशील नहीं हो सकते। वध तो वध ओह किसी नीति दे तहत ही किसी हद तक संवेदनशीलता का प्रगटावा कर सकते हैं। खरी संवेदनशीलता का आधार नैतिकता ही हो सकता है। प्रश्न, तुहाडा कहन दा भाव है कि सिख सिर्फ फलसफा ही इस कसवटी उत्ते खरा उतरदा है? उत्तर, बिल्कुल। डॉक्टर गुरभगत सिंह ने इस दी बकायदा दार्शनिक व्याख्या कीती है। उन्हां दर्शाया है कि गुरबाणी व्यक्ति नूं दूसरे दी लुट करन तों सख्ती नाल वर्जदी है। लुटन वाला व्यक्ति परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। गुरु गोबिंद सिंह दे समयां विच जो खालसा साजन समय पढ़े गए सन, यह शब्द आउंदे हन, लूटत है पास लोगन को कबू ना परमेश्वर के गुण गावे। इस दे अर्थ यह हन कि जेड़ा व्यक्ति भोले भाले लोगों नूं लुटदा है वह परमेश्वर दे गुण नहीं गा सकता। डॉक्टर साहेब अगे होर लिखते हैं कि आसा दी वार विच विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग फरमाया गया है। इस दा अर्थ यह है कि वाहेगुरु दी रचना विच रूप रंग दी अनेकता है। रचना नूं इक आर्थिक फार्मूले जां सिद्धांत नाल नहीं समझा जां अनुभव किया जा सकता। अनेकता जां भेद रचना वाहेगुरु दे दित्ते हुए हन, इस नूं असीं घटा नहीं सकते। ओह जिवें आए हन उवें ही मनने पैणगे। अनेकता विच ही वाहेगुरु दा सुंदर स्वरूप है। विश्व जंगां अते सितमर्ग प्रबंधा ने भावें ओह समाजवादी हन अते भावें पूंजीवादी अनेकता नूं घटाउण दा जतन किया है। नतीजे वजों अजिहियां राजनीतिक आर्थिकतावां उसारण दा जतन किया गया है जिन्हां दा वड्डा मंतव अनेकता नूं घटाउणा सी। इको माडल दा मनुख घड़ना सी। यह जतन सृष्टि दे अनेकता मुखी नियम दे विरुद्ध है। अनेकता मुखी जां विभिन्नता मुखी सृष्टि दा जो माडल गुरु ग्रंथ साहिब विच सांभिया पिया है, यह वडमुला है, भविखार्थी है। इस विरासत नूं नवें प्रसंगां विच योग व्याख्या देनी जरूरी है। यह निरंतर कार्ज है जो सदा हुंदा रहना चाहिदा है। जो रोशन मनुख अते रोशन समाज गुरु ग्रंथ साहिब विच
संकल्पे गए हैं वह किसी भी राजनीतिक आर्थिकता नालों वड्डे हैं। साड़ी सीमा यह है कि असी एक पसारी आर्थिकता विच संगठित रहना गिज गए हाँ। यह आर्थिकता पूंजीवादी होवे जां समाजवादी, असी जो आर्थिकता चुन लेंदे हाँ उस नूं बचाउण लई दहशत फैलाउण वालियां संस्थावां सिरजदे हाँ। फलस्तीनियां दे सिद्धांतकार एडवर्ड सैयद ने कहा है कि हुण सिर्फ अपनी विशेषता अते अंतर नाल नहीं रहा जा सकता, अपनी विशेषता नूं इस तरह स्थापित करना पवेगा कि ओह किसे नूं प्राधीन भी ना करे अते अंतर जां विशेषता नूं क्रियावंत भी रखे। प्रश्न, तां फिर तुहाडे मुताबिक पंजाब अंदर तुसीं जिस राज की कल्पना करते हो ओह आधुनिक फलसफे नूं छड्ड के सिख धर्म कोलों सेध लवेगा, पर कि यह धर्म उत्ते आधारित राज दीन शाही नहीं होवेगी? कि इस अंदर दूसरे भाईचारियां नाल न्याय नहीं होएगा, क्योंकि संसार दे कुछ देशों अंदर धर्म ते आधारित राजां दा तजर्बा कोई चंगा साबित नहीं होया। उत्तर, जे तां तजर्बे की गल ही करनी है तां कम्यूनिस्ट राजां दा तजर्बा भी साढ़े सामने है अते यह तजर्बा जिहो जिहा साबित होया है उस आधार ते तां दुनिया अंदर मुड़ के किसी नूं कम्यूनिस्ट राज स्थापित करन बारे सोचना तक नहीं चाहिदा, पर कम्यूनिस्ट अजे भी अपना राज स्थापित करन लई पूरे बजिद हन जां घट्टो घट उन्हां इस दा सुपना लैणा बंद नहीं कीता। सारिआं ते इकसार पैमाना लागू होना चाहिदा है। जेकर कम्यूनिस्ट जिहड़ा तजर्बा इन्ना डराउणा साबित होया है उस नूं मुड़ उसे तरह दोहराउण लई बजिद हन तां उन्हां दा धर्म वालिआं उत्ते अजिही पाबंदी लाउण दा की हक सिधांतिक जां नैतिक बणदा है? पर इस मामले का संजीदा पहलू यह है कि यह फिर विलखणता नूं नकारण वाली रुचि का ही प्रगटावा है। धर्म बारे आम धारनावां बना के सारे धर्मां नूं थोक रूप विच निंदण अते रद्द कर देना किधर दी विद्वता अते नैतिकता है? ठीक है, कुछ धर्मां दे राजां दा तजर्बा बहुत चंगा नहीं कहा जा सकता, पर इस दा मतलब यह किवें मान लिया जावे कि सिख धर्म दा तजर्बा भी लाजमी माड़ा ही साबित होवेगा? यह डिटेक्टिव तर्क है एकदम गलत अते घटिया। यह भाषा की बदमाशी है कि किसी विचार जां वर्तारे नूं भंडण लई पहलां उस नूं कोई घटिया जिहा बदनामी वाला आम नाम दे दिओ अते फिर इस आम नाम की ओट लैके हर खास नूं ओह किहो जिहा भी होवे रगड़ा फेर देवो। यह जो दीन शाही जां थियोक्रेसी का शब्द है यह कदों अते किस संदर्भ विच घड़िया गया सी अते इस दी वरतों इतिहास विच किवें अते किस मकसद वास्ते हुंदी रही है? इन्हां सारे पक्खां नूं विचारे बिना इस शब्द की गैर जिम्मेवारी नाल वरतों करनी निरा बौद्धिक जाहलपुणा ही नहीं अनैतिक कर्म भी बनता है। जेकर यही हथियार किसी ने कम्यूनिस्टां दे खिलाफ वरतना होवे तां सब नूं पता है कि स्टालिन नूं इतिहास अंदर कम्यूनिस्ट लहर दीआं सारीआं बुराईआं दे चिन्ह वजों पेश कीता गया है। भावें कि मेरे विचार विच कुछ विशेष कारणां करके स्टालिन दे दोषां अते औगुणां नूं हकीकत नालों बहुत ज़्यादा वधा चढ़ा के पेश कीता गया है। इस पिछे कई तरह दीआं ताकतां दे हित काम करदे हन। सामराजवादियां, पूंजीवादियां, कम्यूनिस्ट लहर तों बदजन होए पछम दे विद्वानां अते गैर पछमी देशां दे निखेधात्मक जात दे अवारा वनगी दे बुद्धिमाना सारिआं ने आपो अपने कारणां अते हितां विचों स्टालिन विरोधी नफरत फैलाउण दा मिशन नेपरे चाढ़िया है। इस वर्तारे दा झूठ पहलू यह है कि इन्हां लोकां चों बहुत अजिहे हन ते सन जिन्हां दी अपनी आत्मा स्टालिन नालों सैकड़े गुणा माड़ी है। खैर, कुछ भी होवे, आपां स्टालिन नूं कम्यूनिस्ट लहर दा रावण मन के ही गल करदे हाँ। मन लो जेकर कम्यूनिस्टां दे विरोधी कम्यूनिस्टां दे हर ख्याल दलील अते धारना नूं इस उत्ते स्टालिनवाद दा ठप्पा ला के भंडना शुरू कर देन तां कम्यूनिस्टां नूं ए किवें दा महसूस होवेगा?
स्पष्ट है कि ओह इस उत्ते तड़फ उठणगे अते इस नूं उहनां नाल घोर अन्याय कह के इस दी पुरजोर विरोधता करनगे कि उहनां नूं दूसरिआं बारे भी इही संवेदनशीलता नहीं दिखाउणी चाहीदी। सिख धर्म तां दूसरे दे दर्द नूं अपना जानण दी सिख मत दिंदा है, कम्यूनिस्टां दा धर्म पता नहीं की कहिंदा है। खैर हुण आपां असली गल वल आईए। पंजाब दा भविख सब तों वधेरे राजसी प्रभुसत्ता अते अपने ज्ञान प्रबंध दा मोहताज है। बिना शक सिख पंजाब अंदर अजिहा राज अते समाज सिरजना चाहुंदे हन जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर दर्ज असूलां अते कदरां कीमतां उत्ते आधारित होवेगा। इस राज दे गुणा दोषां दा निर्णा करन लई दो गल्लां नूं आधार बनाउणा चाहीदा है। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज फलसफे नूं अते दूजा इस दी सेध विच सिरजे गए सिख इतिहास नूं। गदर लहर दा इतिहास अते गदरी बाबियां दा अभ्यास इसे श्रेणी विच आउंदा है। असीं इह दावा नहीं करदे कि सिख इतिहास हमेशा हर वेले इस सेध दा इको दर्जे तक अनुसारी रहा है। इस विच चंगे माड़े दौर आउंदे रहे हन। साडा अजिहा सोचना है जेकर मनु समृति जां होर प्रचार मूल ग्रंथां दे आधार ते समाज अते राजकाज दा प्रबंध कीता जावे तां इस उत्ते सैकड़े इतराज प्रगटाए जा सकदे हन, क्योंकि इह मूल ग्रंथ सर्व सांझीवालता दा संदेश नहीं दिंदे, सगों मनुखी ना बराबरी दे पक्षपाती अते मानव दोखी फलसफे दी प्रोड़ता करदे हन। इतिहास उत्ते जिस दा काला परछावां पिया साफ नज़र आउंदा है। पर जेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते आधारित समाजिक अते राजनीतिक व्यवस्था कायम कीती जांदी है तां इस उत्ते इतराज करन दा अधिकार तां हो सकदा है, पर आधार की है? जेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं आधार बनाया जावे तां दूसरे वर्गां हिंदुआं मुसलमानां जां ईसाइयां नाल सिख दी दुश्मनी किवें हो सकदी है? इस राज अंदर हर सभ्याचार नूं बराबर स्पेस मिलेगा अते पब्लिक खेतर अंदर अपना विलक्षण परपेख पेश करन दी खुल नसीब होवेगी। सिख धर्म दी मौलिकता कायम रखदे होए इस नूं आधुनिक जमाने दा हाणी बनाया जावेगा। अजिहा बौद्धिक वातावरण सिरजिया जावेगा जिथे विद्वानां दा नज़रिया विशाल होवेगा पर उहनां दी गुरबाणी दी अंतरदृष्टि धुंधली नहीं होवेगी। गुरु साहिबान दा सर्व सांझीवालता दा संकल्प आधुनिक बौद्धिक सरूप वाला नहीं आत्मिक सरूप वाला है। जेकर किसी राज अंदर नागरिकां नूं बराबर दा दर्जा ते हक दे दिते जाण, परंतु नाल ही जेकर किसी सभ्याचारक भाईचारे नूं नुकरे लाउण जां दुबेल करन दे जतन कीते जांदे हन तां उस नूं असली अर्थां विच जमहूरी राज नहीं कहा मन्निया जा सकदा। बहु कौमी जां बहु सभ्याचारी समाज अंदर जमहूरीयत दे अर्थ बदल जांदे हन। इस करके उदारपंथी विचारधारा अपने मूल खासे पक्खों ही पक्षपाती है। किसी दूसरे नूं पराया जाण के परां रखणा जां ढकणा ही जमहूरीयत दा निखेद नहीं। किसी दूसरे नूं उस दी मर्जी दे खिलाफ धक्के जां छल कपट नाल अपना कह के अपने विच जज़्ब कर लैण जां अपने वर्गा बनाउण दी कोशिश करना भी जमहूरीयत दा निषेध है। दूसरिआं दी हस्ती नूं प्रवान करना अते इस दी तह दिलों कदर करना जमहूरीयत दी जरूरी शर्त है। स्टेट बारे जिहड़ी गैर आधुनिक धारणा है उह एक बोली एक धर्म जां एक सभ्याचार दे विचार दी धारणी नहीं। इस दा इस धारणा विच कोई विश्वास नहीं कि भाषाई जां सभ्याचारक एकीकरण नाल लोकां दे काज दा भला हुंदा है। किसी स्टेट लई सभ्याचारां दी कन्फेडरेशन दी नुमाइंदगी करनी संभव हो सकदी है। इह जिहड़े अलग अलग सभ्याचार होणगे ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਖੰਡ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੜ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਹਲ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਜਬ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ, ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੰਗਜੂ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਮਲਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਖਰਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ: ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਥਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਕੱਚਪੁਣਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਹਿਜੀਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਆਰੰਭਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਤਨ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰਲੱਥ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੱਕੜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੂਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਗ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਊਡਰ ਸ਼ਾਨਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
समाज विज्ञानी इनकलाबी जदोजहद दे इस केंद्री नुक्ते नूं अक्सर भुल जांदे हन कि इनकलाबियां नूं इनकलाबी बनाउण वाला अते इनकलाब दे राह पाउण वाला नुक्ता उन्हां विचला जोश अते गुस्सा ही हुंदा है। अकादमिक सिखलाई अते सरमाएदारी रीत इस गल दी प्रशंसा नहीं कर सकदियां। इह वर्तारा खंडां सारणियां अते अंकड़ियां विच आसानी नाल पेश होण वाला नहीं है, फिर भी इस अंग तों बिना इनकलाबां दी समझ बेबुनियाद होवेगी। एहो कारण है कि पुजारी शाहूकार जरनैल अते समाज विज्ञानी इनकलाबी लहर दे सुभा दा अक्सर गलत अंदाजा ला लेंदे हन, भावें कि ओह इस नूं सिद्धे भी मुखातिब क्यों ना होण। इनकलाब दे केंद्र विच भी सदाचारक नफरत घिरना अते क्रोध दा एक जज्बाती हड़ हुंदा है। सत्ताधारियां विरुद्ध इस हड़ उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं कीता जा सकता अते ना ही चुप वटी जा सकती है। इस दी भावें किन्नी भी कीमत तारनी पवे, विद्रोही लोकां दी आविष्कारक शक्ति हमेशा ही सूखम भावी विद्वानां अते फलसफाकारां दी कल्पना नालों वधेरे शक्तिवर हुंदी है अते रहेगी। प्रोफेसर रणधीर सिंह दी एह टुक गदर लहर दे इतिहासकारां विच्चों प्रोफेसर हरीशपुरी उत्ते सब तों वध टुकदी है। इनकलाबी अनुभव पक्षों उका ही कोरा होण करके पुरी ने गदर लहर अते इस दे आगुआं बारे सब तों वध अयोग टिप्पणियां कीतियां हन। उस नूं पढ़ के यह धारणा होर पक्की हो गई है कि जेड़े विद्वानां दा अपना नज़रिया इनकलाबी नहीं, ओह इनकलाबी लहरां नूं ठीक भावना विच नहीं समझा सकदा। यह पक्की गल है। सचिंदर नाथ सन्याल ने इस सच्चाई की व्याख्या इस तरह कीती है, क्रांतिकारियां अते बुद्धिजीवियां विच फर्क यही है कि क्रांतिकारियां नूं अपने आदर्श अते अटुट शरदा है। इसे लिए उन्होंने अपनी अनोखी निष्ठा दे नाल अपने आदर्श वल जाण वाले राह ते अपना जीवन गुजारिया है अते इन्हां आलोचकां ने आराम कुर्सी ते बैठ के आलोचना करन वाले नूं ही अपने जीवन दा पेशा बना लिया है अते बहुतियां दा तां इह आलोचना करना ही रोजी रोटी दा मुख सहारा बन गया है। रोजी रोटी कमाउण लई कई गल्लां दा हिसाब किताब रख के तुरना पैंदा है, पर इस तरह हिसाब ला के चलण नाल हमेशा सच दी मर्यादा दा पालन कर सकना शायद संभव नहीं हुंदा। इस तों इलावा क्रांतिकारियां अते आलोचकां विच इक होर वड्डा फर्क है। क्रांतिकारियां दे लई जिहड़ी चीज़ अकीदा है, आलोचकां लई ओह सिर्फ राय है ते इह राय सफलता दा मोह पार नहीं कर सकदी। इसे लई नफा नुकसान देख के ही राय बनदी है, पर जिहड़े लोग इतिहास निर्माता दे आसन ते बैठदे हन ओह इस राय दी परवाह नहीं करदे। ओह सिदक दे पूरे अते विश्वास ते पक्के व्यक्ति हुंदे हन। असफलता उन्हां नूं अपने विश्वासां तों नहीं डुला सकदी, इसे करके ओह इतिहास विच हमेशा याद रखे जांदे हन। इसे करके इह अकीदियां वाले व्यक्ति ही संसार विच कुछ स्थाई काम करन दे समर्थ हुंदे हन। उपरोक्त कथना दा सार यह है कि इनकलाबी लहरां नूं आम सिद्धांत दी रोशनी विच नहीं बझा जा सकदा। इस दे लई दो महत्वपूर्ण तत् इनकलाबी नज़रिया अते ठोस अनुभव जरूरी हुंदे हन। इतिहास सिरजन वालियां अते इतिहास लिखण वालियां विचकार अक्सर विरोध प्रगट हुंदे हन। जिन्हां व्यक्तियां नूं इनकलाबी लहरां दा सिद्धा अते ठोस तजर्बा हुंदा है, घट पढ़े लिखे होण दे बावजूद ओह वध सही इतिहास लिख सकदे हन। बाबा भकना दे शब्दां विच उस इतिहास नालों वध होर कोई सुचा इतिहास नहीं हुंदा जो किसे मनुख ने खुद वेख्या जां सिर झल्लिया होवे। कौमां दी चाल ढाल जां उन्हां दी अंदरोगत नीति दा असल विच उदों तक कुछ पता नहीं लग सकदा जदों तक कोई आदमी किसे देश जां कौम दे अंदर जा के ना रहा होवे अते असल हालत अपने अखी ना देख भाल लए होण। पुस्तकां जां अखबारां राहीं तां सिर्फ बाहरली प्रगट हालत दा किसे हद तक पता लग सकदा है, पर उस विच वी वधा चढ़ा के लिखिया गया अंश जरूर हुंदा है। प्रश्न,
कई व्यक्तियों ने नक्सली लहरां की आलोचना करदिया इस नूं बच्चों की खेड कहा है कि इस नूं दुरुस्त मन्या जा सकता है। उत्तर, कदाचित नहीं। नक्सली लहर की अजिही पड़चोल किसी पक्षों भी योग अथवा जायज नहीं है। जे यह खेड भी सी तां यह बच्चों की नहीं जबाजा की खेड सी। भावें कि नक्सली लहर बारे मेरा अपना जाति अनुभव कहता है कि यह लहर बौद्धिक अते अमली पहलुआं तो बहुत कच्ची सी, पर तां भी इस नूं बच्चों की खेड कहना जायज नहीं। इस हिसाब नाल तां शहीद भगत सिंह अते उसदे साथियों की लहर भी शायद किसी भी पक्षों नक्सली लहर नालों वधेरे प्रोड़ नहीं सी। इस मसले उत्ते लम्मी चौड़ी बहस हो सकती है, पर इत्थे आपां गदर लहर की गल ही करदे हां। गदर पार्टी की ठोस प्लैन। गदर पार्टी की प्लैन का सब तो महत्वपूर्ण अंग अंतरराष्ट्रीय हालत तो फायदा उठाना सी। गदरी आगुआ का अनुमान सी कि नेड़े भविख अंदर बरतानिया अते जर्मनी विचकार वड्डा कसमाणी युद्ध छिड़ेगा, जिस नाल बरतानिया की फौजी सत्या बुरी तरह नुचड़ जाएगी और इस तरह जंग विच फसे अते निटाल होए बरतानवी राज उत्ते सट्टा मारन का सुनहरी मौका पैदा हो जाएगा। इस मौके की वरतों किवें कीती जावे? एक तो अंतरराष्ट्रीय खेतर अंदरलियां अंग्रेज विरोधी शक्तियां खास करके जर्मनी की यथा संभव हो सके मदद ली जाए। दूजा अमरीका कनेडा के टापुआ उत्ते वास्ते हिंदुस्तानियों नूं देश परतन का सद्दा दिता जाए अते उत्थे जाके देसी पलटना नूं बगावत करन लई प्रेरिया जाए। हिंदुस्तान विच बगावत कराउण दे प्रोग्राम का सब तो अहम अंग अते धुरा हिंदुस्तानी फौज दियां देसी खास करके सिख पलटना नूं गदर वास्ते तैयार करना सी। इस दे नाल ही देश की आम जनता खास करके नौजवानों अते पेंडू लोकां नूं भी बगावत विच शामिल होण लई प्रेरित करन दी प्लैन मिथी गई सी। इस वास्ते गदर पार्टी दे दो अहम कारकुना भाई करतार सिंह लताला अते भाई गंदा सिंह कंचरपन नूं काफ़ी चिर पहला ही विशेष हदायतां दे के भारत अंदर भेजा गया सी। इस फौजी प्लैन दा यह भी हिस्सा सी कि बरतानवी सल्तनत दे घेरे अंदरले होर मुल्कां अते टापुआं अंदर जिथे जिथे भी हिंदुस्तानी फौजा होण उन्हां नूं बगावत लई प्रेरिया जावे तां जो अंग्रेज़ हकूमत नूं अलग अलग थावां ते उलझाया जा सके अते ओह भारत अंदर बगावत नूं कुचलन लई अपनी फौजी ताकत एकत्रित ना कर सके। इसे मकसद नूं मद्देनज़र रखदे हुए सिंगापुर सियाम अते बर्मा विच गदर करन दी व्यौंत उलीकी गई सी। काबल दे अमीर नूं अंग्रेज़ां विरुद्ध खड़ा करन दे मिशन नूं खास अहमियत दित्ती गई सी। इस तों इलावा मिसर आयरलैंड अते दक्षणी अफ्रीका आदि मुल्कां अंदर भी बरतानवी सामराज विरुद्ध बगावतां दे भांबड़ बल पैण दीआं उम्मीदां उत्ते टेक रखी गई सी। भाई हरनाम सिंह दे दसन अनुसार भाई संतोख सिंह ने सान फ्रांसिस्को दे जर्मन कौंसल नाल मिल के यह प्लैन बनाई सी कि युद्ध छिड़ पैण उत्ते जर्मनी की मदद नाल तुर्की फौजां नहर सुएज उत्ते कब्जा कर लैण अते इस विच जहाज डोब के इस नूं बंद कर देन। हिंदुस्तानी फौजां दे गदर नूं रोकण जां दबाउण वास्ते अंग्रेज़ां दी मुख टेक गोरे फौजियों तो इलावा तोपखाना अते हवाई जहाज आदि ओह असलाखाना सी जो तकरीबन गोरियां दे कंट्रोल विच सी। पर संसार युद्ध शुरू हो जाण ते हिंद विचले नौ गोरे रसालियां विचों सत्त 52 गोरियां पलटना विचों 44 56 शाही तोपखानियां विचों 43 समुद्रों पार भेजे जा चुके सन अते हिंदुस्तानी फौज दे सारे हवाई जहाज हिंदी हवाई सेना दे आदमियां समेत इंग्लैंड जा मिसर भेजे जा चुके सन। इस तरह गोरा फौज दी हिंद विच नफरी 15,000 तों भी घट रह गई सी। इन्हां विचों भी कुछ सरहदां उत्ते तैनात सन।
होर अहम गल ये कि इन्हों 15,000 गोरे फौजियों विच ज़्यादातर रंग रूट सन जिन्हों लड़न का बहुता तजर्बा नहीं सी जां फिर वड्डी उम्र दे लोक सन जिन्हों जान बुझ के जंग दे मोर्चियां उत्ते भेजन तो गुरेज किया गया सी। समुचे उत्तर भारत दियां दो तीन वड्डियां छाउणियां जिवें लाहौर फिरोजपुर अंबाला आदि अते काबल दे सरहदी इलाके नू छड के होर किसी जगह भी 300 तो वध गोरे फौजी नहीं सन। हिंदुस्तान विच फौजी नुकता निगाह तो अंग्रेजां दी इह पतली हालत गदरी इनकलाबियां दे ध्यान विच सी अते उन्होंने इस मुताबक ही अपनी गदर दी प्लैन घड़ी सी। सरदार जगजीत सिंह दे विचार विच गदर पार्टी प्लैन दा अंतरराष्ट्री हालत तो फायदा उठाउण दा हिस्सा बहुत अहम अते सियाणप भरिया कदम सी। हिंदी फौजियों नू बगावत वास्ते तैयार करना अते इस नू हिंद विचली इनकलाबी प्लैन दा धुरा बनाउणा गदर पार्टी दी प्लैन दा ना केवल एक ठीक कदम सी बल्कि उस समय दे देश दे राजसी हालत दी रोशनी विच इनकलाबी नज़रिए तो इस तो बिना होर कोई भी अमली वरतों विच ना आ सकण वाला राह ही नहीं सी। इस पक्षों गदर लहर पंजाब दियां आधुनिक जमाने दियां इनकलाबी लहरां विचों सब तो अव्वल कही जा सकती है क्योंकि होर किसी भी हथियारबंद लहर ने यह शहीद भगत सिंह अते उसके साथियों की लहर सी जां नक्सली लहर सी दुश्मन उत्ते चोट करन लई ढुकवें समय की चोण करन दे पक्ष नूं इस कदर गंभीरता नाल नहीं विचारिया सी अते इस नूं सोच विचार के अपनी रणनीति का केंद्री अंग नहीं बनाया सी। प्रश्न यह गल तां असवियां दे दहाके दी सिख खाड़कू लहर उत्ते भी लागू हुंदी है कि उस लहर नूं भी इसे दायरे विच शामिल नहीं किया जा सकता। उत्तर नहीं, खाड़कू लहर दा मामला वखरा है। इस मामले विच सिख खाड़कू लहर दा गदर लहर नाल जोड़ बैंदा है क्योंकि जिवें जंग लगन जान तो बाद गदरियां अगे बगावत दी कोशिश करन तो सिवा होर कोई चारा नहीं रहा सी उवें ही दरबार साहिब उत्ते फौजी हमला हो जान तो बाद सिखां अगे भी लड़न तो सिवा होर कोई चारा नहीं सी। उन्हां दी तैयारी घट सी जां वध इह कोई मुद्दा नहीं रहा, परखण अंगण वाली गल यह हो सकती है कि वह लड़े किवें। सो गदर लहर वांगू ही सिखां नूं घट तैयारी नाल जां इह कह लो कि कच्चे पैरी ही लड़ाई विढ़णी पै गई सी। उस वेले उन्हां नूं यही करना बनता सी, नतीजे जो मर्जी निकले। पर आपां गदर पार्टी की गल ही करिए, होर पासे ना जाइए। गदर पार्टी दे आगुआं नूं उम्मीद सी कि संसार युद्ध छड़न तों पहलां उन्हां नूं तैयारी लई कुछ कु साल जरूर मिल जाणगे अते उन्हां ने इस समय की पूरी वरतों करन लई ठोस कारज अते टीचे मिथ लए होए सन अते इन्हां नूं नेपरे चाढ़न लई ठोस व्यौंतबंदी करके जोर शोर नाल काम करना शुरू कर दिता सी। अलग अलग कामां वास्ते योग व्यक्तियां दियां ड्यूटियां लग गईयां सन। भारत अंदर बगावत लई जमीन तैयार करन वास्ते कुछ बंदियां नूं पहलां ही भारतीय फौज विच भर्ती करवा दिता गया सी। बाकी आम जनता विच प्रचार करन वास्ते भी कुछ ठोस कदम चुकण बारे फैसले किए गए सन। अमरीका अंदर तीन पद्धर ते तैयारियां करन वल विशेष तवज्जो दिती गई। एक हिंदी आवासियां अंदर इनकलाबी प्रचार करना जिस विच गदर अखबार की अहम भूमिका मिथी गई सी। इस तो इलावा लोड़ अनुसार विशेष मसलों बारे छोटे छोटे किताबचे भी जारी किए गए अते गदर अखबार विचों चोणवियां कवितावां इकट्ठियां करके गदर दी गूंज नां दी किताब छापी गई। दूजा काम पार्टी दा जथेबंधक ताणा बाणा मजबूत करना सी। इस काम की जिम्मेवारी बाबा सोहन सिंह भकना जो पार्टी के बानी प्रधान सन नूं दित्ती गई सी अते उन्होंने दिन रात एक करके पछमी तट उत्ते खास करके कैलीफोर्निया अंदर जथेबंदी का व्यापक ताणा बाणा उसार लिया सी। बाबा भकना ने लिखा है कि थोड़े ही अरसे अंदर
ਇਕੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 72 ਜਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਮਲਾਇਆ, ਬਰਮਾ, ਸਿਆਮ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਆਵਾਸੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਸੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਛਾਂਟਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਕਾਰਜ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਭਖਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੀ ਗੱਭਰੂ ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸ ਬਹੁਤਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਵਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘੱਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਟ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਭਕਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਕੁਝ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਚੁਣ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨਾਮ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਓ ਨਾਲ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੋ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਪਰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਾ ਗੁਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ।
उन्हां नूं हथियारां दीआं पेटियां पहुंचावां अते फिर होर देशां विच घुमदा घुमाउंदा भारत जा के गदर लहर नूं जथेबंद करां। महायुद्ध उम्मीद नालों पहलां छिड़ पिया। कामागाटा मारू अजे रस्ते विच ही सी कि अंग्रेजां अते जर्मनी विचकार युद्ध छिड़ पैण दा समाचार मिल गया। इस नाल पहलां बनाई सारी प्लैन विच इकदम अदला बदली करनी पै गई। गदर पार्टी दे मोरियां ने सारे मसले ते विचारां करन लई पार्टी दे सदर दफ्तर युगांतर आश्रम विच हंगामी मीटिंग सद लई। इस मीटिंग विच बाबा सोहन सिंह भकणा अते भाई करतार सिंह सराबा नूं छड्ड के जिहड़े पहलां ही भारत लई रवाना हो चुके सन, अमरीका अते कनेडा दे बाकी लगभग सारे प्रमुख आगू शामिल होए। पंज दिन भरवी विचार होई। इस बारे किसी नूं भी भुलेखा नहीं सी कि भारत अंदर बगावत शुरू करन तों पहलां पार्टी ने तैयारियां करन दी जो प्लैन बनाई सी उस उत्ते अजे बहुत ही थोड़ा अमल हो सकिया सी। अजे तां गोड़े चों मसी पूणी कत्ती गई सी, पर अचानक जंग दा छेड़ा छेड़ जाण नाल पार्टी सामने इकदम नवी हालत पैदा हो गई। सवाल यह सी कि जंग विच फसे दुश्मन उत्ते कि इस समय बिना योग तैयारी कीत्यां चोट करनी सही होवेगी कि यह कच्चे पैरी कीती कार्रवाई नहीं होवेगी अते इस नाल बिना कुछ हासिल किते बेलोड़ा जानी नुकसान तां नहीं करा बैठांगे, कि यह बेहतर नहीं होवेगा कि हाल दी घड़ी दड़ वट लई जावे अते भविख विच पूरी तैयारी करके दुश्मन उत्ते पक्के पैरी हल्ला बोलिया जावे। मसला बहुत गुंझलदार अते मुश्किल सी। दोवें पक्षां दे हक विच वजनदार दलीलां सन। पार्टी लई वड्डे इम्तिहान दी घड़ी सी इह। लम्मी चौड़ी बहस तो बाद अखीर विच सर्वसम्मति नाल फैसला कीता गया कि पैदा होए सुनहरी मौके नूं अजाए नहीं जान देना चाहीदा अते जिन्नी कु वी तैयारी है अते जिन्नी कु होर हो सकती है उस नाल अंग्रेजी राज दा तख्ता उलटाउण दा जतन पूरी दृढ़ता नाल कीता जावे। चुप रहण नालों कुछ करके हार जाना चंगा है। प्रश्न, पर इस दे जो नतीजे सामने आए उन्हां नूं वेखदे होए कि यह नहीं लगता कि पार्टी का यह फैसला बहुत सियाणप वाला नहीं सी। कच्चे पैरी गदर करन दी मार के बाजी की पार्टी नूं महंगी नहीं सी पई कि कुछ चिर लई दड़ वट के समा लगाउण तों बाद पूरी तैयारी करके बगावत करना ज़्यादा ठीक नहीं होना सी। उत्तर, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है पर उन्ना ही मुश्किल अते गुंझलदार भी है। इतिहास गवाह है कि इनकलाबी लहरां नूं अजिही हालत दा आम ही सामना करना पैंदा है, क्योंकि इनकलाब कोई खेड टूरनामेंट तां हुंदा नहीं जिस दी पक्की मिथी तरीक ते पक्का मिथ्या कार्यक्रम हुंदा है अते उसे हिसाब नाल टीमां कोल तैयारी करन दे पूरे मौके ते साधन हुंदे हन। इनकलाबी हालतां अक्सर ही बिना दस्तक दित्ते अचानक प्रगट हो जांदियां हन अते इनकलाबी शक्तियां सामने अपनी रणनीति अंदर उसे हिसाब नाल रद्दो बदल करन दी जरूरी लोड़ पैदा हो जांदी है। अजिहे मौके लहर दे आगुआं लई अजमाइश भरे हुंदे ने। उन्हां दी इनकलाबी सूझबूझ अते निष्ठा दी असली परख अजिहे समय ही हुंदी है। अक्सर देखण विच आया कि कमजोर दिल आगू अजिहे मौके ढेरी ढा बहिंदे हन अते अपनी कमजोरी नूं छुपाउण लई सिधांतक दलीलां दा ओट आसरा लैंदे हन। रूस अंदर 1905 विच इनकलाबी कम्यूनिस्टां सामने अजिही ही गुंझलदार अते जोखों भरी हालत पैदा हो गई सी। जदों मजदूर जमात दे आगुआं ने रूस अते जापान विच जंग छिड़ पैण करके पैदा हुई साजगार हालत दा लाभ उठाउंदिआं हकूमत विरुद्ध हथियारबंद बगावत दा बिगल वजा दित्ता सी, घट तैयारी होण करके इह बगावत बेरहमी नाल कुचल दित्ती गई सी। रूस दे उस समय दे सब नालों सियाणे मन्ने जांदे कम्यूनिस्ट विद्वान अते आगू प्लेखानोव ने
कच्चे पैरी बगावत करन लई मजदूरां दे आगुआं दी तिखी नुक्ताचीनी कीती सी अते कहा सी कि उन्हां नूं कच्चे पैरी हथियार नहीं चुकने चाहीदे सन। उस दे ऐन उल्ट लैलिन दा मत सी कि उन्हां नूं होर वी जोर नाल हथियार चुकने चाहीदे सन। रूस अंदर जेकर 1905 विच इनकलाब दी असफल कोशिश ना हुई हुंदी तां 12 सालां बाद जाके 1917 विच इनकलाब दा सफल होना शायद संभव भी ना हुंदा। 1871 विच फ्रांस अंदर पैरिस दे मजदूरां ने हथियारबंद बगावत राही सरकार उलटाउण दी असफल कोशिश कीती सी। उस वेले मजदूर जमात दे हिमायती ज़्यादातर विद्वाना ने इस नूं मजदूर आगुआं दी बेसबरी अते उतावलापन कह के निंदिया कीती सी, पर कार्ल मार्क्स ने मजदूर आगुआं दी इस दलेराना कोशिश दी डट के हिमायत कीती अते जंग ठोसे जाण दी सूरत विच बिना कुछ करन नालों कुछ करके हार जाना चंगा समझिया सी अते पुख्ता दलीलां नाल इस दी सिधांतक वाजबीयत दर्शाई सी। प्रोफेसर रणधीर सिंह ने अपने एक लैक्चर विच दस्या है कि एगल्स ने मार्कस बारे कहा सी कि मार्कस एक दार्शनिक, एक आर्थिक माहिर, इतिहासकार अते सब तो वध विज्ञानिक सोच वाला विद्वान सी। नाल ही उसने कहा सी कि यह तां मार्कस दा अद भी नहीं सी क्योंकि इस सब कासे तो पहला ओह एक क्रांतिकारी सी। इसका भाव है कि निरोल बुद्धि अपने आप विच कुछ नहीं हुंदी, इनकलाबी नज़रिया ही बुद्धि नूं साण ते चाढ़दा है। 1921 विच जदों बरतानवी राज हेठ सिख पंथ दे जाना नालों भी वध प्यारे गुरु घरां अंदर ब्राह्मणवादी रौ रीतां अते कुरैतां दा सिलसिला हद्दां पार कर गया सी अते सिख धर्म की मौलिकता अते विलखणता नूं खत्म करन दी व्यौंतबंद यतन कीते जा रहे सन, तां सिख विद्वाना अंदर यह विचार चर्चा छिड़ गई सी कि इस वंगारमई हालत का सामना किस विध किया जाए। कुछ कु सिख विद्वान अजिहे सन जिहड़े सिख कौम नूं जोश नालों होश तो कम लैण अते सरकार नाल टक्कर लैण तो गुरेज करन दीआं नसीहतां फरमा रहे सन। उस वेले सिख कौम की समूहिक सांझी एकता अजे जज्बात की तर्जमानी करदे अकाली अखबार ने सिखां नूं लाभ हान की बिरती तो खबरदार करते हुए यह भावपूर्त शब्द लिखे सन। हमेशा कौमां की जिंदगी विच अजिहे समय आउंदे हन जदों एक कदम उठाउणा जां ना उठाउणा मौत अते जिंदगी का सवाल हुंदा है। अजिहे कठिन समय क्रेडां वाले ठीक हिसाब ला के कुरबानी करन नाल कौमी मुश्किलां दा हल नहीं हो सकता, बल्कि इस दा हल केवल यही हुंदा है कि कौम दा हर बच्चा बुढ़ा इस्त्री मर्द कौम नूं बचाउण दी खातर अपनी हस्ती नूं वार देण लई तैयार होवे। अज असीं गदरी बाबे कौन सन किताब दे 178 पन्ने पढ़ चुके हाँ, बाकी दी किताब असीं अगले भाग विच पढ़ांगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।